हेलो एंड वेलकम टू इकोलिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काई स्क्वायर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथोलॉजी के लिए। इसकी थ्योरी मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिससे आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो आइए समझते हैं न्यूमेरिकल में क्या होगा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये टीवी के स्क्रीन साइज़ है, और आप इमेजिन कीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं जो आपको टीवी अलग अलग स्क्रीन साइज़ में ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले देखेंगे एफ ई, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझाया था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। एफ ज़ीरो जो होती है वो फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, इट मीन्स जो एक्चुअल। तो सबसे पहले इमेजिन करते हैं कि आपने 30 जो टीवी ऑर्डर किए हैं वो स्मॉल स्क्रीन के थे, 40 जो थे वो मिड साइज़ के थे, और 30 जो थे लार्ज स्क्रीन साइज़ के टीवी ऑर्डर किया आपने। जो ऑब्जर्व्ड है इट मीन्स जो एक्चुअल, तो आपने 30 ऑर्डर किए थे बट 20 ही बेच पाए। सेम लाइंस 40 40 30 40। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेटा में डिफरेंस है तो क्यों है, और वो डेटा में डिफरेंस है ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में, उसको जानने के लिए काई स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी मैं स्टैट्स या रिसर्च मेथोलॉजी या कोई भी टॉपिक हम समझते हैं जिसमें प्रैक्टिकल है, उसके सबसे अच्छा तरीका होता है सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें। सो काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समिशन एफ ज़ीरो माइनस एफ ई डिवाइडेड बाय एफ ई। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका मतलब है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को आपको माइनस करना है, डिवाइड करना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से, और सिर्फ न्यूमरेटर को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं काई स्क्वायर। पहले का देखेंगे हम स्मॉल स्क्रीन साइज का, तो 20 माइनस 30। सो 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाय एफ ई, एफ ई यहाँ पर 30 है, 30 ये होल स्क्वायर। ऐड करेंगे हम सेकेंड मीडियम साइज स्क्रीन, सो 40 40 है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतना ही बिक गया, डिवाइडेड बाय 40। एंड लार्ज स्क्रीन का फिर से एफ ज़ीरो माइनस एफ ई डिवाइड बाय एफ ई, इसका मतलब 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 30 एक्सपेक्टेड लेना है ना। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड डिनोमिनेटर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले का क्या होगा, 20 माइनस 30 मतलब -10 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 प्लस, ये तो ज़ीरो हो गया बट स्टिल लिख लेते हैं हम जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। और तीसरा वाला 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस का है बट स्क्वायर होगा तो वो प्लस का हो जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 30 प्लस, ये ज़ीरो हो गया, तो लास्ट वाले का 100 डिवाइड बाय 30। अभी सिंपल है, इसका 3.33, इसका 3.33, सो 3.33 प्लस 3.33 इसको ऐड करोगे तो आपको काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी जो 6.66 होगी। अब जब भी वैल्यू आती है काई स्क्वायर की, हम कैसे कंपेयर करते हैं कि नल हाइपोथेसिस और एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है। तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को जानने के लिए, क्या एक्सेप्ट करना है क्या रिजेक्ट करना है, उसके लिए हम डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम देखते हैं। अब डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब भी कोई डेटा हम कैलकुलेट करते हैं उसको किसी कॉन्फिडेंस लेवल पर डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं पक्का वहाँ पहुँच जाऊँगा 95% कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, तो उसी तरह हम कोई भी डेटा चेक करते हैं तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि ये डेटा जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से है, इसका क्या मतलब है कि 5% चांसेस हैं कि ये डेटा मैच ना करे या एक्सपेक्टेड जो है उससे मैच ना करे। तो एट 5% तो उसके लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है C-M-1। क्या मतलब है इसका, C मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, सो 1 2 3 कॉलम ऐसे में होते हैं, माइनस M इज़ द पॉपुलेशन जो हमको पता ही नहीं है तो हम ज़ीरो लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आती है। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 आती है, इस पर एक टेबल होता है काई स्क्वायर का, वो टेबल आप देखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 पे आपको वैल्यू पता चलेगी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो भी कॉलम मैच होगा उसकी एक वैल्यू आएगी। तो टेबल वैल्यू काई स्क्वायर की 5.99 है। ओके, तो ये हमारी टेबल वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर आप देखते हैं सिंपल सा तरीका, ये जो
कैलकुलेटेड वैल्यू है 6.66 है, टेबल वैल्यू 5.99 है। इसका मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से एक्सीड कर गई है। जब वो एक्सीड कर गई है इसका मतलब जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था एच नॉट उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो ये यहाँ पर मैं फिर से लिखता हूँ कि जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाई थी वो रिजेक्ट हो जाएगी और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब जो डिफरेंस था वो सच में डिफरेंस है और 5% जो हमने सिग्निफिकेंस रखा था उससे ज़्यादा ये बियॉन्ड चला गया। तो जो हमारी कैलकुलेशन थी वो इसमें बिगड़ गई, इसलिए हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और इकोलिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसके आने वाले वीडियो में हम एफ टेस्ट, अनोवा, प्रोबेबिलिटी, पिछले वीडियोस में टी टेस्ट, रिग्रेशन, वो सब डिस्कस हुआ है, तो आप उनको भी देखिए और नॉलेज गेन कीजिए। इसके अलावा हम लोग लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। लाइव क्लासेस में आपको लाइव क्लासेस डाउट क्लियरेंस के साथ मिलेगा, उसके बाद हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट मिलते हैं बहुत सारे। उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, RBI, दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स के लिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप आके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है आपको तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you so much. Have a nice day.